हेलो फ्रेंड्स, मैं रजना और आज हम बात करने वाले हैं एक काढ़े के बारे में जिसका प्रयोग करके आप 80% तक अपनी बीमारियों को खुद से ही बिना किसी दवा के ठीक कर सकते हैं। चाहे आपको वो बीमारी दिल से संबंधित हो, चाहे जोड़ों से संबंधित हो, चाहे पाचन से संबंधित हो, या फिर आपके इम्यूनिटी से संबंधित हो, मतलब कि जो शरीर को छोटे मोटे रोग होते रहते हैं मौसम के बदलने की वजह से, जैसे सर्दी जुकाम बुखार है, अगर इससे संबंधित दिक्कत है तो इन सब में ये बहुत ही बेहतरीन फायदा करता है। काढ़े के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारे शरीर में तीन ऐसी चीजें होती हैं जिनका संतुलन अगर बिगड़ जाए तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो कौन सी तीन चीजें होती हैं जिनके बिगड़ने की वजह से हमको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं? तो उसमें क्या है, उसमें फर्स्ट है जिसको हम बोलते हैं कफ, फर्स्ट है इसमें कफ, दूसरा है जिसको बोलते हैं पित्त, और तीसरा है जिसको बोलते हैं बात। तो ये जो तीन चीजें हैं ये क्या है, ये एक तरह से शरीर के दोष होते हैं। ये क्या है, ये शरीर के दोष है। अगर इनका संतुलन बिगड़ जाए, ये किसी भी तरह से इम्बैलेंस हो जाए तो व्यक्ति को तरह तरह के रोग हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कफ की, तो अगर शरीर में कफ इम्बैलेंस होता है, उसका असंतुलन होता है, तो इससे हमारे श्वसन से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पित्त की, तो अगर पित्त हमारे शरीर में इम्बैलेंस होता है तो जो हमारा पेट वाला एरिया है, मतलब हमारे पाचन से संबंधित समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। वहीं पे अगर हम बात की बात करें, तो अगर बात हमारे शरीर में इम्बैलेंस होता है तो इसकी वजह से जो जोड़ से संबंधित बीमारियां होती हैं ये दिखाई देने लगती हैं। तो ये जो शरीर के तीन दोष होते हैं इनको हमेशा हमको संतुलित करके रखना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इजिली अपने घर में ही एक काढ़ा बना सकते हैं और उसका नियमित सेवन कर सकते हैं। जिस तरह से हम डेली चाय पीते हैं उसी तरह से अगर इस काढ़े का प्रयोग करें तो इसकी वजह से जो अभी मैंने ढेर सारी बीमारियों की बात की उससे हम बच सकते हैं, और अगर किसी व्यक्ति को है तो फिर व्यक्ति उससे छुटकारा भी पा सकता है नियमित अगर इसका सेवन करता है। तो जो हम काढ़ा बनाएंगे उसमें हम चीजों का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट उसमें हम क्या लेंगे, फर्स्ट इसमें हम लेंगे गिलोय। तो गिलोय के बारे में तो सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि जब कोरोना था उस दौरान जो गिलोय है इसका प्रयोग बहुत ही बड़े लेवल पे किया जा रहा था। हर घर में इसका काढ़ा व्यक्ति बना के पी रहे थे। क्यों? क्योंकि जो गिलोय होती है इसमें बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बूस्ट करते हैं, मतलब उसको मजबूत करते हैं कि बाहरी कोई भी अगर संक्रमण हमको टच करे तो हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है, हमारे शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता है वो मजबूत रहे, ताकि उस बाहरी संक्रमण से हमारा शरीर बचा रहे। तो गिलोय में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट, और साथ ही इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं, मतलब कि अगर शरीर में कहीं पे भी सूजन है तो उस सूजन को कम करने का काम भी गिलोय करती है। अब अगर हम सूजन की बात करें तो जैसे अगर हम अर्थराइटिस की बात करें, अब अर्थराइटिस में क्या होता है कि जोड़ों में सूजन हो जाती है और इस वजह से व्यक्ति को दर्द होता है। तो अगर किसी को जोड़ से संबंधित समस्या है, जोड़ों में दर्द की समस्या है, और अगर वो गिलोय का प्रयोग करता है तो इससे उसको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, लेकिन इसमें तुरंत लाभ नहीं मिलता है, थोड़ा समय लगता है। तो गिलोय क्या है, गिलोय एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। गिलोय क्या है, एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, मतलब हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ ही जो ब्लड होता है, ब्लड में जो टॉक्सिक मटेरियल होता है, जो हमारे ब्लड में बढ़ जाता है हमारे गलत खान पान की वजह से, या फिर हमारे शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया है अगर वो अच्छे से नहीं होती है। वैसे भी जब हम खाना खाते हैं तो खाने में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पोषक तत्व होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अच्छे नहीं होते हैं, तो वो वेस्ट मटेरियल होता है। अब उसमें क्या होता है, कुछ टॉक्सिक भी होता है, तो खाना पचने के बाद हमारे जो ब्लड होता है उसमें उसका होके पहुंचता है जो भी न्यूट्रल होता है, तो उसमें कुछ टॉक्सिक भी होते हैं। अब उस टॉक्सिक को शरीर से बाहर निकालने का काम भी गिलोय बहुत ही अच्छे से करती है। इस वजह से हमारे शरीर जो होता है वो स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है अगर हम गिलोय का प्रयोग करते हैं तो, इसकी वजह से। इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति को ब्लड शुगर की समस्या है, ब्लड शुगर का मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है, डायबिटीज मेलिटस की समस्या है, तो उन लोगों को भी इसमें राहत मिलेगा अगर वो
गिलोय का सेवन करते हैं तो इसकी वजह से जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहेगा। अगर व्यक्ति नियमित दवाएं खा रहा है उसके बावजूद भी उसका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उस दौरान अगर वो इस काढ़े का प्रयोग करता है तो इससे उसका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल रहेगा। तो हमारे काढ़े में जो पहली चीज हमने प्रयोग की वो क्या है, गिलोय। अब दूसरी क्या होगी, दूसरा हम इसमें यूज करेंगे दालचीनी। दूसरा हम यूज करेंगे इसमें दालचीनी। तो दालचीनी के बारे में भी सभी लोग जानते होंगे, गरम मसाले में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है, हर घर में ये मौजूद होती है। और दालचीनी की मैंने अलग से भी वीडियो बना रखी है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं दालचीनी की, तो पहला हम प्रयोग करेंगे गिलोय और दूसरा क्या है दालचीनी, इसको हम ऐड करेंगे। तो दालचीनी हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, हार्ट हेल्थ के लिए जो दालचीनी होती है वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अगर इसका नियमित व्यक्ति सेवन करता है तो इसकी वजह से जो बैड कोलेस्ट्रॉल जम जाता है नसों में जो ब्लॉकेज की समस्या हो जाती है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इसके अलावा जो हार्ट अटैक के रिस्क रहते हैं वो भी कम हो जाते हैं। हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो रिजिड नहीं होती हैं, मतलब उनमें जो एक उम्र के बाद जो हार्ट की मसल्स होती हैं या जो नसें होती हैं उनमें जो एक टाइटनेस आ जाती है, कठोरपन आ जाता है, अगर व्यक्ति दालचीनी का प्रयोग करता है तो ऐसा नहीं होता है। और इस वजह से हार्ट की जो एक्टिविटी होती है वो बहुत अच्छे से होती है, वो प्रॉपर अपना कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस करता रहता है, क्योंकि इसको जो मसल्स होती हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, वो रिजिड नहीं होती हैं। तो अगर व्यक्ति दालचीनी का प्रयोग करता है तो उसका जो दिल संबंधित समस्याएं हैं उनसे वो बहुत हद तक बचा रहेगा। लेकिन अगर व्यक्ति को दिल संबंधित समस्याएं हैं तो वो क्या होंगी, कंट्रोल रहेंगे। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, अगर उसका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है और वह व्यक्ति दालचीनी का प्रयोग करता है तो इसकी वजह से उसका हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बहुत अधिक बढ़ेगा तो फिर वहां पे हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर दालचीनी का प्रयोग करेगा तो फिर इसके रिस्क नहीं रहेंगे। इसके अलावा अगर व्यक्ति को होल बॉडी पेन है, मतलब बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि उनको पूरे शरीर में दर्द है, तो अगर ऐसी समस्या है तो इससे भी व्यक्ति को छुटकारा मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, हमारे पूरे शरीर में अच्छे से खून की सप्लाई होगी तो ऑक्सीजन भी हर जगह आसानी से पहुंचेगा, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, ब्लड से मिलता है। और अगर ब्लड हमारे पूरे शरीर में अच्छे से सर्कुलेट होगा, जाएगा, तो ऑक्सीजन भी मिलेगी और इस वजह से दर्द की समस्या नहीं होगी। क्योंकि जब सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो मरने लगती है और इस वजह से हमको दर्द वहां पे महसूस होता है। जैसे बहुत लोगों क्या होता है कि हेडेक होने लगता है, सर दर्द की समस्या होने लगती है। तो सर दर्द नॉर्मली तब होता है जब हमारे ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। आप किसी बंद कमरे में बैठ के देखिएगा जहां पे ऑक्सीजन का आवागमन ना हो, वहां देखिएगा कुछ देर बैठने के बाद ही सर ऐसे भारी जैसा हो जाएगा और फिर दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा किस वजह से हो रहा है, हमारे मस्तिष्क को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, इस वजह से हो रहा है, क्योंकि ब्लड सप्लाई भी वहां पे बाधित हो रही है। तो अगर हम दालचीनी का प्रयोग करते हैं काढ़े में तो इससे बहुत अधिक फायदे मिलेंगे। इसके अलावा थर्ड इसमें प्रॉपर्टीज है हल्दी, जिसको हम बोलते हैं हल्दी। तो हल्दी के बारे में भी सभी लोग जानते हैं, हल्दी नेचुरल तरीके से हमारे शरीर को डिटॉक्स करने का भी काम करती है। इसके अलावा हल्दी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। हम अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए भी हल्दी का उपचार वगैरह यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी को सर्दी जुकाम हो जाती है तो उस दौरान भी व्यक्ति हल्दी और दूध का प्रयोग करता है। क्यों? क्योंकि हल्दी में भी इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले जो तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा जो लीवर सेल्स होती हैं, मतलब कि जो हमारा लीवर होता है उसकी जो कोशिकाएं होती हैं उनको हेल्दी रखने के लिए हल्दी बहुत ही उपयोगी होती है। क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि हल्दी में क्या होता है, हल्दी में बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ ही इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं और एंटी फंगल गुण भी पाए जाते हैं। तो जो अधिकतर लोगों को हो जाता है ना कि फैटी लीवर की समस्या हो जाती है या फिर लीवर में इन्फ्लामेशन की समस्या हो जाती है, तो इनमें अगर हम हल्दी का प्रयोग करें तो काफी हद तक हम इसको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि लीवर सेल्स की जो डैमेज वाला प्रोसेस होता है इसको ये रोकती है। अगर हम हल्दी का प्रयोग करते हैं तो जो लीवर की हेल्दी सेल्स होती हैं उनका डैमेज नहीं होता, उसको ये रोक देती है। और इस वजह से हमारा जब लीवर हेल्दी रहेगा तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो भी काफी हद तक ठीक रहेगा। इसके अलावा जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, जो हमारी आंत होती है, आंत में क्या होते हैं
बैक्टीरिया होते हैं, तो गुड बैक्टीरिया होते हैं और कुछ बैड बैक्टीरिया होते हैं। तो जब हम हल्दी का प्रयोग करते हैं तो चूंकि हल्दी क्या है, हल्दी एंटी बैक्टीरियल है और एंटी फंगल है, तो जो हमारे आंत में बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, जो हमारे आंत के लिए अच्छे नहीं होते, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते, उनको ये मारने का काम करती है। और जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, मतलब अच्छे कीटाणु होते हैं, इनको वो प्रमोट करती है और इस वजह से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जब हम जो भी चीज खा रहे हैं, अगर उसका पाचन अच्छे से होगा, अवशोषण अच्छे से होगा, तो हमारे स्वास्थ्य को वो लगेगा, हमारे शरीर को लगेगा और हम हेल्दी रहेंगे। तो तीन चीजें हमने देख ली अपने काढ़े में, इनका हम प्रयोग करेंगे। इसके अलावा चौथी चीज क्या है, चौथा है, इसको बोलते हैं काली मिर्च। तो काली मिर्च तो सभी लोग जानते ही होंगे, जब भी हम काढ़ा बनाते हैं तो काली मिर्च के बिना तो ये अधूरा ही रहता है। हम किसी भी काढ़े की अगर बात करें तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो काली मिर्च होती है, इसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इसका ऐसा गुण होता है कि यहाँ पे ये जो भी कंपोनेंट हम लिए हुए हैं, अगर हम उसमें काली मिर्च को ऐड कर दें तो इनकी जो बायोअवेलेबिलिटी है इसको ये बढ़ा देती है। मतलब कि इन तीनों के साथ अगर हम काली मिर्च को ऐड कर देते हैं तो इन तीनों की जो गुणवत्ता है उसको काली मिर्च बढ़ा देती है कई गुना ज्यादा। इसके साथ ही सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये चारों एक साथ मिलके जो हमारे शरीर का कफ, पित्त और वात है, ये तीन चीजें हैं, इनको संतुलित करती हैं। अगर हम इन चार चीजों को एक साथ मिलाकर उसका काढ़ा बनाकर पीते हैं तो हमारे शरीर के जो भी दोष है, अगर मान लीजिए हमको दिल से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे अभी मैंने बात की कि अगर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, या फिर कोलेस्ट्रॉल व्यक्ति का बढ़ा हुआ है, या फिर नसों में ब्लॉकेज की समस्या है, या फिर अगर व्यक्ति को मान लीजिए आर्थराइटिस की समस्या है, मतलब जोड़ संबंधी समस्या है, या फिर व्यक्ति को अगर पाचन संबंधी समस्या है, जैसे कि उसका पेट फूला रहता है, उसको गैस की समस्या है, बदहजमी रहती है, गले में जलन रहती है, कच्ची डकारें आती हैं, तो ये जो भी चीजें हैं उनसे व्यक्ति को 100% राहत मिलेगी। लेकिन इसका नियमित आपको सेवन करना है। तो अब इसको बनाना कैसे है, कुछ नहीं करना है, जिस तरह से आप चाय बनाते हैं, नॉर्मल काढ़ा बनाते हैं, उसी तरह से एक गिलास पानी लीजिए और उस पानी में आपको थोड़ा सा गिलोय डालना है। अगर आप गिलोय की पत्ती यूज कर रहे हैं तो बस दो पत्ती इसकी यूज करिए। अगर आप दालचीनी की बात कर रहे हैं तो एक टुकड़ा छोटा सा दालचीनी का लीजिए और हल्दी आधा चम्मच लीजिए, जो खाने वाला चम्मच होता है। और अगर काली मिर्च की बात करें तो बस 5 से 6 दाने आप सिर्फ काली मिर्च की लीजिए और इसको अच्छे से पका लीजिए। और 10 से 15 मिनट इसको पकाने के बाद छान के आप सुबह सुबह चाय की जगह पर अगर इसको पीते हैं नियमित तौर पे, तो आपके बहुत सारे समस्याओं का समाधान आपको घर में ही बिना किसी दवा के मिल जाएगा और इसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत जल्दी अपने शरीर पे दिखने लगेंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।